सब्सक्राइब करो और घंटी बजाओ, हर न्यूज सबसे पहले पाओ। ये है आईपीएल में सनराइज हैदराबाद के तीन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज। इंडियन प्रीमियर लीग के 2018 की उप विजेता टीम सनराइज हैदराबाद इस बार अपने मुख्य कप्तान डेविड वार्नर के साथ उतर सकती है, क्योंकि पिछले सीजन में वार्नर पर प्रतिबंध लगने की वजह से हटाना पड़ा था और इसकी जगह केन विलियमसन कप्तान रहे और पूरे सीजन में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक पहुंचाया था। हालांकि फाइनल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने बाजी मारते हुए तीसरी बार खिताब अपने नाम किया था। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं सनराइज हैदराबाद के शीर्ष तीन बल्लेबाजों के बारे में, जिन्होंने अब तक सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है और इस आगामी सीजन में भी अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। नंबर एक, केन विलियमसन। न्यूजीलैंड के कप्तान और अनुभवी बल्लेबाज केन विलियमसन आईपीएल 2018 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। बता दें कि इन्होंने 17 मुकाबले में 735 रन बनाए थे और ऑरेंज कैप होल्डर रहे। इस तरह सनराइज हैदराबाद की टीम में सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक केन विलियम्स भी हैं, जिन्होंने अब तक 32 मुकाबले में 42 की औसत से 1140 रन बनाए हैं। नंबर दो, डेविड वार्नर। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज डेविड वार्नर आईपीएल में एक महान बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अपनी कप्तानी से टीम को 2016 में खिताब जिताया था। वहीं अगर इसके करियर पर एक नज़र डालें तो 114 मुकाबलों में 40 की औसत से 4014 रन बना चुके हैं, जिसमें उनके 3 शतक हैं। हालांकि यह 2018 के आईपीएल में नहीं खेले थे, लेकिन अभी आगामी सीजन में कप्तानी के रूप में नज़र आ सकते हैं। नंबर तीन, मनीष पांडे। दाहिने हाथ के अनुभवी बल्लेबाज मनीष पांडे 2008 से आईपीएल में खेलते आ रहे हैं। इन्होंने 2009 के सीजन में एक शानदार शतक भी लगाया था। हालांकि इसके बाद यह कभी भी शतक तो नहीं बना पाए, लेकिन बल्लेबाजी हमेशा अच्छी करते रहे हैं। पांडे सनराइजर्स हैदराबाद के सबसे बेहतरीन और अनुभवी बल्लेबाजों में से एक हैं, जिन्होंने अब तक 118 मुकाबलों में 2499 रन बनाए हैं और इनका सबसे बेस्ट स्कोर 114 रन नाबाद है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।